कैसा दिखता है सर? शोभा डेवलपर्स, शोभा लिमिटेड, फंडामेंटली ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है रिटेल की सेक्टर पे, बट आप टेक्निकल देखोगे तो पिछले कुछ महीनों से ये कंटिन्यूअस डाउन मूव में है, और इसका डाउन मूव जो वो है 550 से करीब, तो अभी लेने का तो कोई नहीं है अभी, क्योंकि डाउन मूव में है, और डाउन मूव का रीजन भी है क्योंकि रियल्टी का जो कमोडिटी है वो है सीमेंट है या मेटल है, उनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इनका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये माना जा रहा है जो थोड़ा डिमांड में इंपैक्ट आएगा, इसीलिए ही करेक्शन आपको बड़े जितने भी रियल्टी स्टॉक्स हैं उनमें आते हुए दिख रहा है, और ये कंटिन्यूअस हमें लगता है आने वाले एक क्वार्टर तक देखने को मिल सकता है, तो अभी रियल्टी सेक्टर में थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है और थोड़ी सी ऊपर की है 700 750 के आसपास की, तो मेरे लिए क्या राय है सर? डिपेंड करता है आपका होराइजन क्या है, अगर आपका होराइजन 15-20 दिन के लिए है तो यहाँ पर लॉस बुक कर लें या छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें, स्टॉप लॉस इसका 623 के करीब का, अगर आपको हम पैसा लगना है मुझे अच्छी कंपनी है कोई दिक्कत है नहीं, तो थोड़ा सा करेक्शन होने दें 550-560 में एवरेज आउट कर सकते हैं, बट अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, और नीचे लेवल्स पे, और अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है, और लोकेश जी ये कह रहे हैं कि शायद और नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो एक तो देखने के लिए तैयार रहें उस और नुकसान को और स्क्रीन के अंदर में उस हिसाब से, और नजरिया अपना अपना या अपने पर्सनल एडवाइजर से आप संपर्क कर सकते हैं या समझ सकते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन फिलहाल लोकेश जी की राय उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से ये और कमजोरी दिखा सकता है, वहां पे एवरेजिंग भले कर ले, फिलहाल ना खरीदारी की राय और ना एवरेजिंग की राय।